तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के विक्रांत, आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये पिलर अभी बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो इंडियन रेलवे की लाइन गुजरती है, तो इसी वजह से यहां पर डबल पिलर देखने के लिए मिले हैं। आप लोग देखो ग्रीन लगा के देखो ये सारे पिलर बन गए हैं, और यहाँ से दिखाएंगे, और ये मेरठ का स्टेशन आ जाता है। तो देखो ये पिलर सारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, बस इस पर अब लॉन्चर द्वारा इनको एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों एक लॉन्चर आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये देखो अब यहाँ पर डबल पिलर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये लाइन बीच में आ जाती है यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ पर डबल पिलर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। ये लॉन्चर यहीं के यहीं है दोस्तों, ये लॉन्चर आगे नहीं बढ़ा है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये बायोडक्ट को जोड़ चुका है, क्योंकि ये प्रतापपुर के स्टेशन पर आ रहा है। प्रतापपुर का स्टेशन आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो छोटा स्टेशन है। छोटा स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मेरठ मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों, तो ये मेरठ मेट्रो का ही स्टेशन है दोस्तों। बहुत छोटा स्टेशन है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये आई गटर द्वारा लॉन्च कर दिया है, यानी कि जो लाइन है वो दौड़ेगी। देखो ये काम चल रहा है, टीम लगी हुई है, अभी इस पर फ्लोर वर्क नहीं हुआ है, इस पर डेंट पेंट का काम किया जा रहा है। तो इधर अभी आपको बता दूं कि इस पर एंटी एग्जिट पॉइंट भी बनाया जाएगा, जो कि नहीं बना है। तो ये है कुछ सीन यहाँ का, ये देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इनको भी फ्लोरिंग किया जाएगा। और देखो ये जो आ चुके हैं, ये आ चुके हैं जो इस पर रूफ टॉप लगाने का काम करेंगे, उसके खंभे दोस्तों। और इधर देख सकते हो अभी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे नहीं लगे हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगेंगे तो खंभे के ऊपर ही ओवरहेड इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, उसके ऊपर वायरिंग लगाई जाएगी, साइड में रेलिंग लगाई जाएगी। तो अभी बहुत सारा काम है दोस्तों, लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ है। और ये आ चुका है रेठानी का स्टेशन, मेरठ मेट्रो दोस्तों, ये मेरठ मेट्रो का स्टेशन है, देख सकते हो, जिस पर फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। ये जो गटर लॉन्चिंग की गई है, ये वाली, इन पर फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि छोटा सा स्टेशन है, क्योंकि इस पर मेरठ मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों, इसी वजह से ये छोटा स्टेशन है रेठानी का, ये देख सकते हो। और यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है दोस्तों, सेटिंग लगी हुई है, इसे जोड़ने का काम किया जा रहा है, फाउंडेशन का काम हो गया तो पहले ही, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये रोड को चौड़ा भी कर रहे हैं, देखो टीम लगी हुई है यहाँ पर, इस तरीके से वर्क कर रही है।
मैच आ चुका है शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन। तस्वीर आप लोग देख सकते हो जहाँ पे ये लॉन्चर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और ये आई गटर द्वारा इस पर लॉन्च भी कर दिया जा चुका है, तो इस पर भी फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। इधर अभी आई गटर जोड़ने के लिए बचे हुए हैं और ये लॉन्चर यहाँ पर ये लॉन्च करेगा इसको मैन कैरिज वे को। दोस्तों देखो टीम लगी हुई है, ये पिलर को एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ने का काम किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये बीम रखा जाता है जो कि यार्ड से लाया जाता है। दोस्तों ये देख सकते हो ये सबसे बड़ा स्टेशन इसलिए है कि यहाँ पर इस पर रैपिड रेल रुकेगी। दोस्तों देखो ये कौन कुछ लेवल के ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल पर ये काम किया जा रहा है, यानी कि जो मेन कैरेज वे की लाइन है वो बनाई जा रही है। दोस्तों इधर देखो देखो वो बनाया जा रहा है दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिसका फाउंडेशन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सेटिंग लगी हुई है, इससे प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए सेटिंग लगा दिया। देखो वो सरियाओं का जाल भी बना दिया, इधर भी बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट और इस साइड में भी देखो जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है दूसरा वो भी बना लिया जा चुका है, फाउंडेशन का काम हो चुका है। देखो ये सरियाओं का ये देखो इन्होंने ये जाल बना दिया है ना, ये देखो इसी पे ये फाउंडेशन का काम किया जाएगा। और यहाँ पर देखो ये गड्ढा है, देखो ये काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है इस तरीके से बनाया जाएगा। ये दूसरा पार्ट है दोस्तों, तो किस तरीके से बनाया गया चलो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ एक बार, तब आप लोगों को दिखाई देगा अच्छे से। दोस्तों देखो इसका ये फाउंडेशन बना दिया है और सरियाओं का जाल भी खड़ा कर दिया है इन्होंने, ठीक है इधर भी बना दिया। ये देखो इसी तरीके से बनाया जाएगा, तो ये बनाया जा रहा है देख सकते हो शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन। दोस्तों ये देखो अभी काम चल रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कौन कौन लेवल का तो काम हो चुका है, प्लेटफॉर्म लेवल के लिए काम किया जा रहा है, जिसकी जो मेन कैरेज वे की लाइन है वो बनाई जा रही है दोस्तों। और नीचे देखो कौन कौन लेवल में ये वाइट पुट्टी कर दी है इन्होंने, और वाइट पुट्टी कर देने के बाद में फिर आगे देखो वो स्टेयर भी बना दिए इन्होंने, अभी स्टेयर बनाने के बाद में फिर इस पर एक्सीलेटर भी बनाया जाएगा, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों बनने में। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है शताब्दी नगर मेरठ RRTS का स्टेशन दोस्तों, जिधर आप लोगों को देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का सामान ही देखने के लिए मिलेगा मेरी चारों साइड में। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और उधर भी एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, ठीक है उधर का तो बन चुका है तो यही काम चल रहा, चलो उधर का भी एक बार देखते हैं चल के। देखो दोस्तों ये काम किया जा रहा है, देखो सेटिंग ये जोड़ रहे हैं ना, ये सेटिंग लगा दिया उन्होंने, और देखो ये सरियाओं का जाल भी बना दिया, अभी तक जोड़ेंगे दोस्तों। ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, उधर फाउंडेशन पहले ही बन गया था, अब देखो यही काम किया जा रहा है शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर। दोस्तों तो कुछ ये सीन है यहाँ का, तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर टीम लगी हुई है, ठीक है यही नज़ारे हैं यहाँ के, काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चलते दोस्तों चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के तो आगे क्या काम चल रहा है। अब देखने के लिए मिलेगा आप सभी, ये देख सकते हो ये सेटिंग लगी हुई है, जो मेन लाइन है वो बनाई जा रही है दोस्तों, ये देखो ये सेटिंग लगी हुई है, ये कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। इधर ये देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, आराम से यार बताओ वीडियो ऐसे ही चला कर चल। अभी तो देखो ये भी जोड़े जाएंगे, जो कि अभी पिलर भी एक साइड में नहीं बने हैं पूरे, इधर के एक साइड के तो बन चुके हैं, राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के बचे हुए हैं देख सकते हो, क्योंकि इन्हें जोड़ने का काम भी किया जाएगा दोस्तों। ये देखो जैसे जैसे ये भरते चले जा रहे हैं सरियाँ लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे लगाते, और ये देखो ये बीम लगा दिया,
कहां पर ये लॉन्चर लगा हुआ है और किस तरीके का फ्रेगमेंट को उठाता है ये देख लो। एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में पूरा ही जोड़ा जाता है फ्रेगमेंट द्वारा। देखो इस तरीके से ये लॉन्चर वर्क करता है दोस्तों। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के ब्रह्मपुरी का स्टेशन, तो उस पर क्या क्या कुछ क्या क्या वर्क चल रहा है, क्या क्या वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जो तो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है एलएनटी, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व ले लेता है तो कर्व राइट में लेता है क्योंकि बीच में ये फ्लाई ओवर आ जाता है, इस वजह से ये राइट हैंड पर कर्व ले लेगा दोस्तों। तो ले लिया देखो सर, इसी वजह से ये डबल पिलर आप सभी को देखने के। दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीरें, ये लॉन्चर लगा हुआ है आरओबी के ऊपर यानी कि मेरठ में, जब शताब्दी नगर को क्रॉस करेंगे दोस्तों। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ब्रह्मपुरी का स्टेशन आरआरटीएस का और मेरठ मेट्रो का, दोनों को साथ साथ में मेट्रो स्टेशन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और काफ़ी लंबा चौड़ा ये लॉन्चर है, देख सकते हो किस तरीके से एक पिलर से दूसरे पिलर को बायोडक्ट को जोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है ब्रह्मपुरी के स्टेशन के लिए। देखो ये डबल पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे ताकि आगे ब्रह्मपुरी के स्टेशन देखने के लिए मिले। देखो डबल पिलर इसलिए दिए गए हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था ज़्यादा, इसी वजह से, क्योंकि लाइन आ नहीं पाती क्योंकि ये बीच में लाइन आनी है, इस वजह से यहाँ पर डबल पिलर दिए गए और सेटिंग लगी हुई है क्योंकि अभी बस ये वाला पिलर बचा हुआ है जिसमें बीम लगा के अब दोनों पिलर को कनेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ये आ चुके हम ब्रह्मपुरी के आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों, जिस पर मेरठ मेट्रो रुका करेगी दोस्तों, लेकिन रैपिड रेल नहीं रुकेगी। कॉन्कोर्स लेवल बन चुका है लेकिन प्लेटफॉर्म लेवल का काम अभी किया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप लोगों को क्या अंडरग्राउंड जो टनल स्टार्ट होती है वो यहीं तो होती है इस ब्रह्मपुरी के स्टेशन को क्रॉस करने के बाद। तो इधर देख सकते हैं, इधर ये दोनों पिलर के बीच में अब बीम रखा जाएगा और बीम रख देने के बाद में फिर दोस्तों एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको उधर से चल के कि उधर भी अभी देख सकते हो ये यहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ था जो कि आगे बढ़ रहा है और यहाँ से ये अंडरग्राउंड आ जाता है दोस्तों, क्योंकि अंडरग्राउंड टनल अब आ जाती है। देखो ये नीचे उतरती चली जा रही है, सेटरिंग ये लगी गई है क्योंकि ये पैराफिट वॉल बना रहे हैं साइडों में दोस्तों। और आगे आप लोगों को देखने के लिए बनाई जा रही है यहाँ पर टनल, कुछ इस तरीके से टनल बनाई जा रही है जो कि मेरे के अंदर है। ये टनल का काम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन देखो ये टनल बनाई जा रही है किस तरीके से ये टनल बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। ये देखो मतलब ज़्यादा चमकेगा नहीं, ठीक है, कुछ ये टनल बनाई जा रही है, इधर भी बनाई जा रही है जो इसका काम हो चुका है, ठीक है। देखो ये खुदाई भी चल रही है, इन्होंने पहले ही कर दी थी, ठीक है। देखो इस तरीके से टनल का काम किया जाता है दोस्तों, ये देखो काफ़ी भाई साहब अंडरग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो ये मिट्टी निकालने का काम भी किया जाएगा उधर,
और ऐसे जाके ये अंदर होती चली जाएगी। तो इसमें अभी दो पार्ट बनाए जाएंगे, देख सकते हो ना ये खंभे लगाए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिल पे अभी खंभे बनाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड टनल का काम है दोस्तों, ये देखो आप लोगों को दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के।